आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा विचार जो है ना, वही हमारा जीवन है। जैसे विचार करोगे वैसा जीवन तैयार हो जाता है। हम आदत से कुछ विचार ऐसे बार बार नकारात्मक हमारे दिमाग में लाते रहते हैं। जब आदत से नकारात्मक विचार हम लाते रहते हैं और वो निकाल नहीं सकते, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो विचार शुरुआत में मैंने ही लाया था। यदि आप सकारात्मक विचार नहीं ला सकते दिमाग में, देखो जरा सोचो कि आप सकारात्मक विचार लाओ, जरा लाके देखो सकारात्मक विचार। और जब आप सकारात्मक विचार ला सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सकारात्मक विचार चाहत है तभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते, वो नकारात्मक आप लाते हो, इसका मतलब क्या है कि शुरुआत जो होती है वो उसका चुनाव मैं कर सकता हूँ, सकारात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक विचार की शुरुआत मैं करता हूँ और फिर एक बार वो गाड़ी शुरू हो गई तो फिर नकारात्मक एक के ऊपर एक विचार आते रहता है। अब ऐसा है तो फिर सकारात्मक विचार भी मैं ला सकता हूँ। मगर हम क्या करते हैं कि सकारात्मक विचार थोड़ा भी आ गया तो उसको सही मानते नहीं है और तुरंत नकारात्मक में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि इसको मैं बोला कि भाई तू बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है, तो उसको लगता कि नहीं नहीं ये जो विचार है ये बराबर नहीं, मैं कोई स्मार्ट नहीं हूँ, और बोलता नहीं नहीं ये विचार मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। किसको ऐसा बोला कि तू मूर्खता से बात कर रहा है, वो फट से एक्सेप्ट कर ले क्योंकि उसको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। किसको ऐसा बोला कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, विद्वान है, उसको लगता है कि नहीं नहीं ये है ना मेरी मजाक उड़ा रहे, मूर्खता से बोला तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मन से पहले से ही लगता है कि अपन मूर्ख है। कितने सारे लोगों के साथ में मैंने काम किया हुआ है, लोक आत्मवंचना और अपराध बोध, इसका मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म और गिल्टी फीलिंग, इससे ग्रस्त है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं अपराधी हूँ, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने कुछ ठीक नहीं किया है, और उसको एहसास होता है कि भाई मैंने कुछ तो भी गलत किया है, दोष है मेरे में, या कोई अपराध किया हुआ है, गिल्ट लगता है उसको, और वो ग्रस्त है, और उससे काफ़ी सारी बीमारियां तैयार हो जाती है क्योंकि आप फिट नहीं रहते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा कर नहीं सकता हूँ, मैं उतना अच्छा होशियार नहीं हूँ। तो ये जो है, ये जिनके साथ में काम किया है मैंने, उनका यही दिमाग में कॉन्वर्जेशन चालू रहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ, और वो वहाँ ग्रसित है। मतलब वो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, आत्मवंचना करते हैं, और लोग गिल्ट फील, अपराध बोध, वो भावना रखते हैं और उससे ग्रस्त है। और जब ये दिमाग में पीछे चालू है कि आया कि भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ, वो 24 घंटे सातों दिन सब ये चालू है दिमाग में, तो आगे वो व्यक्ति भी काम करता है तो कैसा होगा? वो व्यक्ति अपने दिमाग में निगेटिव विचार ही लाता है, निगेटिव विचार वातावरण से अंदर ले लेता है, और वहाँ से जब वो काम करता है तो अच्छा काम होगा ही नहीं। आपको ये करने का है कि ये जो है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, ये जो है ये सब दिमाग में पीछे है चल रहा है, वो बाजू में रख के सामने जो काम आ रहा है उसमें 100% देना, 100% देना, और कंटिन्यूसली पॉजिटिव विचार दिमाग में लाना, और वो बोलना, बोल के बताना, लोगों से बातचीत करना, उसमें पॉजिटिव बोलना। देखो निगेटिव विचार आते हैं मगर आप पॉजिटिव बोल तो सकते हो ना, कितने भी निगेटिव विचार अपन पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव बोलो, और पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव विचार आएंगे, और पॉजिटिव विचार आएंगे तो जीवन में आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये आप जरूर कीजिएगा। और आत्मबोध, आत्मवंचना मतलब आत्मवंचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म, और अपराध बोध मतलब गिल्ट फीलिंग, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने कुछ गलत किया है, ऐसी भावना दिमाग में आती भी है, विचार भी आते हैं, तो उसको साइड में रखना, बाजू में रखना, और काम पे फोकस करके काम करना, इसमें सफलता मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।